चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम जो है इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे जो फैटी एसिड्स होते हैं वो जो है ब्रेक डाउन होते हैं, वो कैसे जो है उसमें जो फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, वो कैसे जो है स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें टूटती है। तो मेनली इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एसिटाइल को ए में जो है कन्वर्ट होते हैं। अब जैसे हमने 16 कार्बन का जो है फैटी एसिड ले लिया पाल्मिटिक एसिड, तो जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन जो है कैसे होता है, तो वो आज हम इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने जो है एक चेन ले लेंगे फैटी एसिड की। अब मेनली जो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बीटा कार्बन होता है, जैसे ये पूरी फैटी एसिड की चेन है, अब जो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसके पास वाला जो कार्बन होता है वो तो अल्फा कार्बन होता है, और इसके जो पास वाला और एक जो कार्बन होता है दूसरा वो होता है बीटा कार्बन। तो इसका सीधा सा यही मतलब है, जो बीटा कार्बन होता है फैटी एसिड में उसके उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है उसमें जब ऑक्सीजन ग्रुप जो है लगता है तो उसको जो है बोलते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हमें यही करना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले फैटी एसिड की चेन ले लेंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हम इसकी जो है लॉन्ग चेन लेंगे फैटी एसिड की। अब इसमें जो है हम एक ग्रुप जो है वो ऐड करते हैं, वो होता है को ए एस एच। हम इसमें जो है ये थायो का एक ग्रुप होता है सल्फर का, तो वो जो है हम इसमें ग्रुप ऐड करना है। तो इसमें जो है ये ग्रुप होता है थायो का, तो उससे लगती एक एंजाइम आती है थायोकाइनेज। तो इसका नाम जो है थायोकाइनेज इसलिए क्योंकि ये जो एंजाइम होती है जो कोए एसिड ग्रुप है इसको जो है ये फैटी एसिड जो है यहाँ पे जो है वो लगा देगी। तो वो देखते हैं कैसे। और इसमें जो है एक एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो भी यूज होता है, एक एटीपी जो है इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जो कि इसको जो है रिएक्शन करने को एनर्जी देता है। तो ये जो फैटी एसिड की चेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसाइल को ए में। तो ये जो है वो फैटी एसाइल कोए में जो है कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों कार्बन है उस जैसे हमें पता है ये कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बनाता है, तो इसमें जो है दो हाइड्रोजन भी होंगे इसमें साथ में। तो हम जो है मान लेते हैं कि ये जो है ना दोनों हाइड्रोजन ऐसे इसमें लगे हुए हैं। तो अब इसमें क्या होता है डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है इसके बाद में। तो जब डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो इन दोनों में से एक एक जो हाइड्रोजन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो वो हाइड्रोजन कैसे एलिमिनेट होता है, इसमें एफएडी एक कोएंजाइम होती है वो इसमें एक्ट करती है और वो कन्वर्ट हो जाती है एफएडीएच2 में। यहां से हाइड्रोजन जो है वो ले लेती है और एफएडीएच में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें एंजाइम लगती है फैटी एसाइल को ए डीहाइड्रोजनेज। जो कि हाइड्रोजन को जो है एलिमिनेट कर रही है तो इसमें हम एंजाइम जो है उसी हिसाब से लग गई डीहाइड्रोजनेज, मतलब डीहाइड्रोजनेशन कर रही है। तो ये जो है वो फॉर्म कर लेता है ट्रांस इनॉइल को ए। तो अब इस कंपाउंड को बोलते हैं हम ट्रांस इनॉइल को ए। अब ट्रांस मतलब जैसे इसमें अपोजिट जो ग्रुप है उसमें से जो है वो हो रहा है डबल बॉन्ड, क्योंकि ऐसे हो रहा है बॉन्ड तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। और इनॉइल इसलिए क्योंकि ये इन ग्रुप भी है इसमें और ऑयल ग्रुप भी जो है इसमें हो रहा है, तो इसमें जो नाम है वो हो जाएगा ट्रांस इनॉइल को ए। अब इसके बाद में क्या होता है, हम इसमें
H2O मॉलिक्यूल जो है वो जोड़ते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका एडिशन करते हैं, और हम इसमें जो है एंजाइम लगती है वो होती है हाइड्रेटेज, जो कि हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन करवा रहे हैं इसका, तो इसमें एंजाइम लगेगी ट्रांस इनॉइल को ए हाइड्रेटेज। इसमें जब H2O लगेगा तो एक जो तरफ है, एक कार्बन है, उसके ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा और दूसरे पे H ग्रुप लग जाएगा, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा एक, और यहाँ पे जो है वो वैसे ही दो हाइड्रोजन जो है नॉर्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद में इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो अब इसमें है जो है वापस से हम जो है डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो इस बार जब इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा तो जो दो हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो जो है वो ये दो हाइड्रोजन है वो निकलेंगे, और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो इसमें सिर्फ बच जाएगा। तो इसमें जो है वो दूसरी जो कोएंजाइम है NAD+ वो जो है इसमें लगती है, तो इसमें जो NAD+ जो है वो जो है यहां से हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट जाता है NADH+H+ में, और इसमें एंजाइम जो एक्ट करती है वो होती है डीहाइड्रोजनी, जो कि इसमें डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो इसमें जो है एंजाइम लगती है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डीहाइड्रोजनी। और ये जो है फाइनली इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब तो जब यहां से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाते हैं उसके बाद में इसका ऑक्सीजन बच जाता है, तो इसका जो है नाम फिर हो जाता है बीटा कीटो एसाइल को ए। अब इसके बाद में जो है ये जो कंपाउंड जो है जो हमारे पास आ गया है, तो अब जो है हम ये समझ लेते हैं, हमने जो इसमें R जो ग्रुप है वो हमने 16 कार्बन का जो है वो लिया था टोटल। अब इसके बाद में जो ये जो स्टेप है इसके बाद में इसका जो है ब्रेक होगा इसमें बीच में से बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है वहां से जो है ये ब्रेक हो जाता है, और जो है एक जो दो कार्बन है वो जो है वो अलग हो जाते हैं। वो कैसे, अब इसमें एक एंजाइम एक्ट करती है एसाइल को ए ट्रांसफरेज। और ये जो है इसमें अंदर मतलब एडिशन कराती है को ए एस एच ग्रुप का, एक और जो को ए एस एच होता है वो इसमें एडिशन हो जाता है, और जो यहाँ से जो सी सी कार्बन है ये दोनों वो अलग हो जाते हैं, और ये जो पूरी चेन है वो अलग हो जाती है। तो ये वाला जो ग्रुप है वो इस चेन के साथ में आके लग जाता है, और ये जो है वो वैसा का वैसा रहता है, और इसका नाम हो जाता है फैटी एसाइल को ए। और इसमें जो है एक और कंपाउंड फॉर्म होता है एसिटाइल को ए जिसको बोलते हैं। और ये जो है वो दो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो फैटी एसाइल को ए है, अब इसमें जो R जो है इसमें जो कार्बन है वो 14 कार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें से जो है दो कार्बन जो है वो एसिटाइल को ए के फॉर्म में जो है वो एलिमिनेट जाते हैं। तो ये जो होती है वो पूरी प्रोसेस होती है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की, जिसमें जो फैटी एसिड है पहले जो है ऑक्सीडेशन करता है बीटा ऑक्सीडेशन, उसके बाद में जो है ये फॉर्म करता है एसिटाइल को ए। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल को ए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये जो है वो आगे जो है सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसमें जाके ATPs जो है वो बनाता है। तो इसमें जो है अब ऐसी जो है हमें अगर पाल्मिटिक एसिड जैसे हमने ले लिया, अब हमें उसकी पूरी जो है उसमें से एसिटाइल कोए जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, तो इसकी हम जो है
सात बार जो है इसकी ये प्रोसेस करते हैं, तब जाके जो है इसमें 8 एसिटाइल कोए है जो कि दो दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमें 8 जो है वो मिल जाते हैं, फिर एसिटाइल कोए जो है वो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है इसकी सारी प्रोसेस थी। सो गाइस, अब हम जो है इसकी जो बायो एनर्जेटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है इसमें बनते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स जो है इसमें एटीपी के जो है कंज्यूम होते हैं, तो फाइनली हमें कितने एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी, तो हम इसमें जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक जो पूरी साइकिल होती है, जैसे हमने पाल्मिटिक एसिड में एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल बनाया था, तो उसमें जो है कितनी इसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो पाल्मिटिक एसिड जो है हम जनरली बात करते हैं, उसका जब पूरा जो ऑक्सीडेशन होता है, और मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है पूरी 7 साइकिल जब होगी तभी इसका जो है पूरा ऑक्सीडेशन होता है पाल्मिटिक एसिड का, और 8 एसिटाइल कोए बनते हैं। तो जब इसका पूरा फुल ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें जो है 7 टाइम्स जो है पूरी इसमें प्रोसेस होती है। अब हम एक टाइम का जो है देखते हैं कि कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब एक टाइम पे जो है एक FADH और एक जो है NADH प्रोड्यूस होते हैं। वन जो है वो FADH जो है वो प्रोड्यूस होता है और वन NADH जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमने पहले देखा था कि जो FADH2 जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 ATP और जो 1 NADH है वो प्रोड्यूस करता है 3 ATP। तो टोटल जो है हमें मिल जाते हैं 5 ATP जब एक साइकिल होती है तब। अब जब 7 टाइम्स जब ये होता है तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब 7 टाइम्स जब होगा तो 5 × 7 हो जाएगा, तो 35 ATP जो है वो इससे हमें प्रोड्यूस होते हैं। तो 35 ATP हमें FADH2 और NADH से जो है मिल जाते हैं जब उसकी पूरी जब ऑक्सीडेशन होती है 7 टाइम्स उसके बाद में। अब इसमें जो है एक और चीज प्रोड्यूस होती है, वो होता है एसिटाइल कोए। अब एक साइकिल में जो है एक एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हो रहा था, अब 7 साइकिल जब होगी तो उसमें जो है 8 एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होंगे। अब एसिटाइल कोए जो है वो एटीपी कैसे प्रोड्यूस करता है, जब एसिटाइल कोए होता है वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। जो क्रेब्स साइकिल है वहां पे जो एसिटाइल कोए है वो 12 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो 8 एसिटाइल कोए है वो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट करेंगे, अब 12 × 8 कर देंगे तो ये जो है वो टोटल 96 एटीपी जो है पूरा 8 एसिटाइल कोए है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको जो है हम ऐड कर देंगे तो 96 प्लस 35 एटीपी जो है वो बनाते हैं 131 टोटल एटीपी। तो इतने जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो है 2 एटीपी वो जो है कंज्यूम भी होते हैं, जो शुरू की इसमें प्रोसेस होती है इसमें 2 एटीपी जो है कंज्यूम होते हैं। हमने देखा था जो एटीपी है वो एएमपी में कन्वर्ट होता है, मतलब 2 उसमें जो एटीपी है वो यूज होते हैं। तो जब इसमें नेट जो है वो कितना आ जाएगा एटीपी, जब 131 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल 129 जो एटीपी है वो हमारे जो है फॉर्मेशन होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से। तो ये थी इसकी पूरी बायो एनर्जेटिक्स। एंड गाइस, हमने जो वीडियो की जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।